हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे, आज है बुधवार, तो मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, बच्चों को खिला दिया है और मेरा ब्रेकफास्ट करना अभी भी बाकी है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। तो मैंने सुबह नहा लिया है, तो मेरा ये रूटीन है कि मैं रोज़ ही सुबह ही नहा लेती हूँ, और कभी कभी जब मैं हिना अप्लाई करती हूँ या फिर हेयर में ऑयल मसाज करती हूँ तब भी मैं थोड़ा सा देर में नहाती हूँ, नहीं तो मैं रोज़ ही मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, तो ब्रेकफास्ट तो बना लिया है, अभी से मैं अभी जाऊँगी ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद किचन को क्लीन करूँगी। थोड़ा सा मैसी हो चुका है ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, ऐसा होता है। और अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है, मेरा ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उन सब फ्रेंड्स को मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। देखिए कितना ज़्यादा मैसी हो चुका है किचन, और काबली चना थोड़ा सा बच गया है, इसको मैं अभी कढ़ाई से निकाल के रख दूँगी, दोपहर को राइस के साथ खा लेंगे लंच में, तो अच्छा लगता है राइस के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काबली चना, और रोटी के साथ अच्छा लगता है, पूरी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे राइस के साथ भी अच्छा लगता है। तो कोई भी आइटम हो, जैसे दम आलू हो या फिर चना दाल हो और या फिर चना मसाला, तो राइस के साथ खाना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं राइस के साथ खा लूँगी। और अभी बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। Thank you.
अभी मैं थोड़ा सा सब्जी है उन सारे सब्जियों को मैं क्लीन कर लूंगी अच्छी तरह से। तो आज सुबह ही हस्बैंड ने ले लिया था, तो हमारे घर के सामने से ही सब्जी जाते हैं। तो जब ऐसा सब्जी घर के सामने से जाते हैं जैसे बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो तो हस्बैंड ले लेते हैं। तो अभी लंच की तैयारी चल रहा है और यहाँ पे माँ बना रहे हैं कोचू शाक। तो कोचू शाक मुझे बनाना नहीं आता है और ये जो कोचू शाक है बहुत ही टेस्टी आइटम है और इसको तो मतलब अच्छी तरह से छीलना पड़ता है, इसको बॉईल करना पड़ता है, उसके बाद ही इसको मतलब पकाया जाता है, मतलब इसको बनाया जाता है। और ये जो कोचू शाक है इतना टेस्टी है कि मैं क्या बोलूँ। तो देखिए कोचू शाक को मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, इसको अभी बॉईल करेंगे। तो कोचू शाक बॉईल करने के लिए मैं अभी गैस पे चला दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक थोड़ा सा बड़ा साइज का कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने ले लिया है पानी। तो थोड़ा सा ज्यादा पानी ले लिया था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अभी मैं सारे कोचू शाक को ऐसे डाल दूंगी, उसके बाद ढक्कन लगा के रख दूंगी। तो 15 मिनट में ही कोचू शाक बॉईल हो जाएगा। तो कोचू शाक मैंने बॉईल कर लिया है, देखिए इसको पानी से अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है और ये बॉईल करने के बाद एकदम कम हो जाता है। तो देखने में तो लग रहा था कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है लेकिन बॉईल होने के बाद इतना सही हो जाता है। तो राइस बन गया है, यहाँ पे देखिए दाल हो गया है और ये जो दाल है ये मूंग दाल है और इसको मैं फ्राई करने के बाद मैंने बॉईल किया है, उसके बाद मैंने तड़का डाला है। तो अदरक जीरा डाल के मैंने तड़का डाला है। और यहाँ पे देखिए पनीर आलू की सब्जी बन रहा है, ये बहुत ही एक लाइट सब्जी बन रहा है आज। तो ये हस्बैंड ने बनाया है एकदम लाइट तरीके से, कम मसाले के साथ पनीर आलू की सब्जी बनाया है पतला सा। और यहाँ पे देखिए कोचू शाक, इसको अभी बनाएंगे। तो हस्बैंड बना रहे हैं आज कोचू शाक। तेल गरम होने के बाद बादाम फ्राई कर लिया है, उसके बाद अभी तेज पत्ता डाल दिया है। तो यहाँ पे तेज पत्ता यानी बेलीफ डालने के बाद थोड़ा सा 5 फोरन डाला गया है, उसके बाद सूखे लाल मिर्च। तो थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है, यहाँ पे 1 टीस्पून हींग डाला गया है। उसके बाद अभी मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, मैंने बीच में से काट लिया है लंबा लंबा करके। तो अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। तो अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा, उसके बाद बॉयल कोचू को डाल दिया जाएगा। तो हस्बैंड जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना रहे थे इसलिए मैं अच्छी तरह से शूट नहीं कर पाई एक एक करके। तो इसको अभी अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। तो अभी नमक डालना होगा स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद डाला जाएगा चीनी, थोड़ा सा चीनी डालना होगा, 1/2 चम्मच चीनी डाला है। तो अच्छी तरह से मिलाना होगा, तो थोड़ी देर वेट करना होगा, बीच बीच में थोड़ा सा चलाना होगा नहीं तो कढ़ाई में चिपक सकता है। तो इसीलिए बीच बीच में ऐसे ही चलाना होगा और चेक करना पड़ेगा। तो रेडी हो जाएगा, 10 मिनट से पहले ही रेडी हो जाएगा क्योंकि ये पहले से बॉईल किया हुआ है तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा। सिर्फ थोड़ा सा पानी सूखने के लिए जितना देर है, तो उसके बाद कोचू शाक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बादाम के बदले में थोड़ा सा चना ऐड कर सकते हो, बॉयल चना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ढक्कन लगा के रख देंगे अभी।
पाँच से सात मिनट के लिए, तो बीच बीच में थोड़ा सा चेक करना होगा। तो देखिए पूरा रेडी हो चुका है कोचू साग और इसका पानी पूरा सूख गया है, तो अभी ये खाने के लिए पूरा रेडी है। तो देखिए कोचू साग पूरा रेडी हो चुका है गर्मा गर्म खाने के लिए। दाल राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है और ये दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। खास करके हमारी यहाँ पे जो मंदिर है, तो सारे मंदिरों में जब अन्नभोग दिया जाता है तो उसके साथ एक कोचू साग होता है, और ख़ास करके मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है, ये बहुत ही टेस्टी है, तो हम सबको पसंद है लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अगर कोई भी सब्जी वाले कोचू साग लेके जाते हैं सामने से, तो उनसे वो खरीद लेते हैं। तो आज लंच में क्या क्या बना है देखिए। राइस के साथ ये है पनीर आलू की सब्ज़ी, तो बहुत ही लाइट सब्ज़ी है। और यहाँ पे है दाल, मूंग दाल, और यहाँ पे है कोचू साग। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।